हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ, आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे इस टॉपिक के लिए कमेंट किया था, मुझसे पूछा था कि ब्रदर हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, प्लीज़ आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर हमें ज़रूर बताएं। पिछले कई दिनों से, कई महीनों, शायद 3-4 महीनों से मेरे पास लगातार इसके लिए कमेंट्स आ रहे थे कि ब्रदर हमें प्लीज़ आप इस टॉपिक को लीजिए और इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। ऑलरेडी मैंने कई बार इसको, मैंने अलग अलग वीडियो में इस टॉपिक को लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अलग से एक पूरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बनाइए। तो वो कौन सा टॉपिक है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज का जो ये विषय है, आज का जो ये टॉपिक है, हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे वो पुराना विश्वासी हो, चाहे उसने अभी अभी यीशु को ग्रहण किया हो या 4-5 साल पहले ही उसने यीशु को ग्रहण कर लिया हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और अनिवार्य है ये चीज़ें समझना। अगर आप एक विश्वासी हैं और जो बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो अगर आपके जीवन में नहीं है, तो फिर आपका चर्च जाना बेकार है, आपका बाइबल पढ़ना बेकार है, आप यीशु मसीह के आगमन में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी एक सवाल बन के रह जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ आज इस टॉपिक के द्वारा। मैं कुछ खास चीज़ आपको बताऊँगा और आपके आत्मिक जीवन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का जीवन खास कर बदलने वाला है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो इतना ज़रूरी है, अगर उन बातों को आप समझ जाएंगे तो आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो ज़रूर बदल जाएगा, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप एक सच्चे मसीह नहीं हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो यही टॉपिक है, प्रार्थना के ऊपर। ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रार्थना को लेकर कम से कम 10-15 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिस पर मैंने प्रार्थना कैसे करना है इसके बारे में बताया है, प्रार्थना कब करना चाहिए उसके बारे में बताया है, प्रार्थना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो आज ऐसा क्या है प्रार्थना के विषय में जिसे मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों के कमेंट की वजह से, वो ज़रूरी है आपको समझना। देखिए, सबसे पहले मैंने प्रार्थना के ऊपर वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि किस तरह रात की प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह सुबह की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते कि ब्रदर हमें दोपहर के समय प्रार्थना कैसे करना उसके बारे में बताइए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमें दोपहर के समय कैसे प्रार्थना करना चाहिए, यानी कि दिन के आधे दिन के समय, यानी सुबह के नहीं, शाम को नहीं, बीच के समय में, यानी कि दोपहर के समय में कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को पता है किस तरह प्रार्थना किया जाता है, लेकिन बहुत हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो अभी अभी प्रभु पर विश्वास किए हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है और धीरे धीरे प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं। तो कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि चलो जी, हमने सुबह की प्रार्थना के बारे में तो वीडियो देख लिया है, अब हमें समझ में आ गया सुबह की प्रार्थना कैसे करनी है, रात की प्रार्थना कैसे करनी उसके ऊपर भी आपने वीडियो बनाया, हमने देख लिया है, पर हमें दोपहर के प्रार्थना के बारे में बताइए कि हमें दोपहर को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो देखिए, सब चीज़ें एक तरफ रख के मैं एक बातें आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना समझना होगा कि प्रार्थना क्या है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रार्थना को समझना होगा, सुबह की प्रार्थना हो या दोपहर की प्रार्थना हो या रात की प्रार्थना हो, इसका मतलब क्या है, प्रार्थना का मतलब क्या है। देखिए, प्रार्थना का मतलब होता है हम परमेश्वर से अपनी बातों को रखते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ये मेरी बातें हैं, मेरे जीवन में इन चीज़ों की ज़रूरत है, या मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन में ये कमी है घटी है, यानी कि हमारी बातों को जब हम परमेश्वर से कहते हैं उसे हम प्रार्थना के रूप में कहते हैं। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या करते हैं, प्रार्थना में बैठकर बाइबल थोड़ी पढ़ रहे होते हैं, प्रार्थना में बैठकर हम कहानी थोड़ी सुना रहे होते हैं परमेश्वर को, या आप प्रार्थना में जब बैठे होते हैं तब क्या आप परमेश्वर को कुछ और बोल रहे होते हैं कि भाई हमें परमेश्वर ये मैं कहानी बताता हूँ आपको, कहानी सुनिए, एक राजा था एक रानी थी, इस तरह के काम तो नहीं करते। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, ना ही प्रार्थना में कोई बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना में आकर सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, मत्ती रचि सुसमाचार उसका 6 अध्याय के आप 9 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा प्रार्थना का विषय किस प्रकार परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। तो अब दोपहर की प्रार्थना क्या है, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बीते रात हमने सोए थे, आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, आपने जीवित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, यानी कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसके लिए, और जो दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं उस दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहते हैं प्रभु आज का दिन भी आप हमें चलाइएगा, हमारे जीवन में ये काम करिएगा, परमेश्वर इस प्रकार हमें वचनों में चलने में सहायता करिएगा, या और भी कुछ विषय है तो उसको हम सुबह में रखते हैं।
शाम को हम क्या करते हैं, शाम को हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु दिन भर आपने हमें चलाया, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमारे हर कामों को अच्छा किया, हमें शैतान के चाल से बचाया, यानी कि दिन भर जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम सोने जा रहे हैं उस बात को परमेश्वर को बता कर कि प्रभु आज रात भी हमें अच्छे से नींद देना, अच्छे से सो पाएं, और सारी बातों को रखकर प्रभु के हाथों में, और हम प्रार्थना करके रात में सोने जाते हैं। तो ये सुबह शाम की प्रार्थना हो गई। अब दोपहर की प्रार्थना कैसी होती है? देखिए, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दोपहर का प्रार्थना इस तरह से करो, सुबह की प्रार्थना इस तरह से करो। मतलब एक पर्टिकुलर सुबह के प्रार्थना के लिए ये वचन है लिखा है साफ साफ कि सुबह की प्रार्थना करने के लिए आप इस वचन को पढ़ो, ऐसे करके बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं कि जो प्रभु के लोग थे वो सुबह भी प्रार्थना करते थे, दोपहर को भी प्रार्थना करते थे, शाम को भी प्रार्थना करते थे। कई कई हम देखते हैं जो पुराने नियम में वो दिन में चार चार बार प्रार्थना करते थे, पांच पांच बार प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो वो तो रात रात भर प्रार्थना करते थे, वो रात को पूरी रात प्रार्थना किया करते, दिन में सेवकाई करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे। लेकिन दोपहर का कोई प्रार्थना ऐसा कोई लिखा हुआ है कि भाई दोपहर को इस तरह प्रार्थना करना है, वो बाइबल में नहीं है। लेकिन अगर हम दोपहर को प्रार्थना करना चाहें तो करें कैसे? सवाल तो यह है कि भाई सुबह की प्रार्थना तो आती है, शाम को भी कैसे करना वो भी पता है, लेकिन दोपहर को कैसे करें? अगर आपके पास समय है कि आप दोपहर को प्रार्थना कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। आप दोपहर की प्रार्थना में आप क्या बोल सकते हैं? आप हर कुछ जो भी आपके मन में परमेश्वर के प्रति बोलना है, आपको बताना है परमेश्वर को, वो सारी बातें आप प्रभु को बोल सकते हैं। आप चाहे सुबह प्रार्थना करें या शाम को प्रार्थना करें या दोपहर को प्रार्थना करें, याद रखिएगा जब भी आप प्रार्थना शुरू करते हैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना है, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, सब बातों के लिए परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, सब कुछ जो आपके जीवन में उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और दोपहर के समय परमेश्वर से कहें, प्रभु आज आधा दिन आपने हमें चलाया, अब आधा दिन और बचा हुआ परमेश्वर, इस समय में भी मैं आपका हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। और इस तरह से दोपहर के समय के लिए प्रार्थना करिए। उसके लिए अलग से कुछ नहीं है कि आप अलग से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ला के जोड़ दो उसमें। जैसे आप सुबह प्रार्थना करते हो वैसे ही आपको दोपहर में करना, वैसे ही आपको शाम को करना है। बस बदलता क्या है कि हमारा सुबह का जो समय है वो आने वाले 12 घंटे के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर पूरा 12 घंटे जो अगले सुबह 24 घंटे के लिए है ना, कि अगले 24 घंटे जब हम दूसरे सुबह आएंगे उस पूरे 24 घंटे को आप हमें संभालिए। इस तरह फिर जब हम दोपहर को प्रार्थना करते हैं सेम चीज़, आज दोपहर में आप कर रहे हैं तो कल दोपहर में भी आप करोगे। तो आज दोपहर की सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में रखो, और इन सारे प्रार्थनाओं में, चाहे दोपहर की प्रार्थना हो, सुबह की प्रार्थना हो, रात की प्रार्थना हो, याद रखिएगा कि रटा रटाया चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक ही बात को बड़बड़ाना नहीं है, बार 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 एक बात नहीं बोलना है। हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं सुबह तो हम खुद के लिए जब प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ हमें अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। देखिए ये सुबह की प्रार्थना में भी लागू होता है, दोपहर की प्रार्थना में भी और रात की प्रार्थना में भी। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे परिवार में अगर कोई प्रभु में नहीं है उनके आत्मिक उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। और जो भी लोगों को आपको याद आ रहा है, आपके माइंड में याद आ रहा है कि हाँ मुझे उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो बीमार है, उन लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। उन्हीं तरह दोपहर में भी आप जब प्रार्थना करते उसी तरह आपको क्या करना है, आपके पास अगर विषय नहीं है आपके अपने बारे में आपने प्रार्थना कर लिया तो आप अपने देश के लिए प्रार्थना करिए, आपके देश के जो भी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, पुलिस है, आर्मी है, इन सब के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु इनको आशीष दे। इस प्रकार से आपके पास विषयों की कमी नहीं होगी। और प्रार्थना करिए जहाँ कहीं भी प्रभु के लोग हैं सेवा करते उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए। तो दोपहर का प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना या शाम की प्रार्थना सब एक जैसा ही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन में 3 बार अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, भाई सुबह उठते ही प्रार्थना कर सकते हैं, दोपहर को भी आपके पास टाइम है प्रार्थना करने का, शाम को भी, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करिए। तो दोपहर की प्रार्थना करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको उस समय बैठना है, जैसे आप परमेश्वर को सुबह धन्यवाद दिए थे उसी तरह दोपहर को भी धन्यवाद दें, और अपने विषय जो आपने सुबह बोला था उनको भी आप रिपीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ और भी लोगों को आप सुना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे रिपीट करने के लिए तो आपने ही मना किया कि बार बार नहीं बोलना, तो बार बार बोलने का मतलब है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके, हाँ परमेश्वर सिर्फ मुझे दो मुझे दो मुझे दो, या परमेश्वर उसे दो, ऐसे करके एक ही चीज़ को नहीं रट्टा मारना है। आपको याद करना है एक एक करके सारे विषयों को, या फिर आप लिख लीजिए कि मुझे अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, मुझे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, मुझे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। इस तरह से आप एक प्रार्थना का लिस्ट बनाइए और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तो मैं विश्वास करता हूँ अब आप लोगों को जिन्होंने ये कमेंट किया था कि हमें दोपहर की प्रार्थना कैसे करना बताइए, तो मैंने आपको बता दिया जैसे आप सुबह करते हैं उसी तरह आप दोपहर में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि सुबह हम उठते हैं तो धन्यवाद उठने के लिए देते हैं, दोपहर को हमने परमेश्वर हम चला रहे हैं इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, शाम को हम सोने जा रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, जो आपका सवाल था वो आपको पता चला, अगर आपको समझ में आया है
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि एक और वीडियो बना के और अच्छे से समझाइए, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं है वो भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले दिन में एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूँ। तो परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।